एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल. प्रीवियस केसेस में यूज किया था एंड एक्सप्रेशन, करंट केस में यूज किया जाए और एक्सप्रेशन. प्रीवियस केस में फिजिकली राइट किया था लाइक ए इक्वल्स टू वन, बट इस केस में क्या हो रहा है लाइक ए इज असाइंड बाई जीरो. चेक कर इस केस में अगेन इस टाइप के एक्सप्रेशन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएं फॉर वेरिएबल ए. ए के केसेस में इनिशियली कोई वैल्यू असाइन किया, इसलिए इसका बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए इज गार्बेज. नेक्स्ट वन अगेन, जैसे इस केस में कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. एक्सप्रेशन में राइट किया ए इक्वल्स टू जीरो और वन. सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले प्रोवाइड क्या करेंगे, सम पैरेंथेसिस और ब्रेसेस. पैरेंथेसिस अप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी. हाईएस्ट प्रायोरिटी टेकन बाय योर ऑपरेटर ओवर द असाइनमेंट. असाइनमेंट और में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, और ऑपरेटर का. इसलिए और के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑपरेंड क्या है जीरो, सेकेंड ऑपरेंड क्या है इसके लिए वन. और एक्सप्रेशन का रूल क्या था, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है देन रिजल्ट इज ट्रू. फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकंड केस में क्या है वन, वन मींस ट्रू. अगर कंडीशन एक भी कंडीशन ट्रू देन रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू मींस वन. नेक्स्ट वन इज फाइनली इस और एक्सप्रेशन का रिजल्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ट्रू के फॉर्म में. तो ट्रू के अकॉर्डिंग इससे रिटर्न क्या होगा वन. नाउ वन इज इनिशियलाइज्ड और असाइन टू द वेरिएबल ए. नाउ वैल्यू ऑफ ए बिकम्स वन. नेक्स्ट वन, ए के केसेस में वन इनिशियलाइज होने के जस्ट बाद फाइनली इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, ए का करंट वैल्यू. ए का करंट वैल्यू वन फाउंड हो रहा है, इसलिए रिप्लेस भी क्या करेंगे ऑल्सो वन. वन मीन्स कंडीशन इज ट्रू. इस केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले होगा, इससे वैल्यू ऑफ ए. आउटपुट ऑफ दिस कोड इज वन. ए का वैल्यू वन, इसलिए डिस्प्ले कर रहा है ऑल्सो वन.